फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, एमएन यूनानी फार्मेसी। आई एम डॉक्टर मोनिता। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइगर किंग एग कैप्सूल की। क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना, कब नहीं लेना, बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी गुजारिश है आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटे पहले कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं टाइगर किंग एग कैप्सूल की। ये जो है हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। ये मेनली महिलाओं के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़। इसका इस्तेमाल जब करा जाता है, जब महिलाओं में सेक्सुअल हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर हो चुका है, या फिर जो है उनके सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, अपने पार्टनर से रिलेशन नहीं बना पाती हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाती हैं, उनका दिल भर रुचि नहीं रहती है, सेक्स करने में रुचि नहीं रहती है, दिन भर दिल उचाट रहता है, सही तरीके से अपने पार्टनर से रिलेशन नहीं बना पाती हैं, अपने पार्टनर को सही तरीके से खुश नहीं कर पाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनके जो है कमज़ोरी वीकनेस रहती है, तब इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से महिलाओं के जो योनि में जो है सेक्सुअल हार्मोन तेज़ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, जिससे कि वो जल्दी उत्तेजित होने लगती हैं और अपने पार्टनर से अच्छी तरीके से रिलेशन बना सकती हैं। वो महिलाएँ जो अपने पार्टनर से सही तरीके से रिलेशन कायम नहीं कर पा रही हैं, बना नहीं पा रही हैं, उनको जो है सेक्स करने में रुचि नहीं रहती है, जब पार्टनर कहता है तो उस सेक्स करने से मना कर देती हैं, तब इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने का तरीका। इसे जो है अपने पार्टनर से मिलने से पहले, ये जो है एक घंटे पहले इसे जो है महिलाओं को इस कैप्सूल को खिला देना चाहिए दूध के साथ। फिर एक घंटे बाद देखेंगे आप, ज़बरदस्त जोश बढ़ेगा, ज़बरदस्त स्टेमिना बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है महिला जो सेक्स में जिनकी रुचि नहीं थी, जो एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी, उनके एकदम सेक्स में रुचि आ जाएगी और वो फुल एक्टिविटी करने लगेंगे और ज़्यादातर जो स्टेमिना बढ़ेगा, उनका सेक्सुअल हार्मोन एकदम बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। अगर बात करें तो इसके साइड इफेक्ट का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, देसी जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और बात करते हैं इसे, तो इसे जो है प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए, या फिर जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं उन्हें भी सावधानी के साथ और गायनेकोलॉजी डॉक्टर की देखरेख में ही दे इसको देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइम वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।